अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन शवारमा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में हम लोग नीम गर्म पानी डालेंगे, मैंने कम से कम हाफ कप लिया। नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं ईस्ट के। ये टीस्पून है, टेबलस्पून नहीं है। और इसमें हम लोग 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद चीनी ऐड करेंगे 2 चम्मच। इसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे, नमक ऐड करने से जो ईस्ट है वो सही तरह से वर्क नहीं करता अपना। इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको ढक के फिर रख लेंगे कम से कम 10 मिनट तक। अच्छे से ताकि कोई लंप्स रह ना जाए। अब इसे हम ढक के तो रख देंगे कम से कम 10 मिनट तक। तब तक हम लोग मैदा निकाल लेते हैं। मैदा मैंने लिया 1 केजी। 1 केजी यानी कि कम से कम 7-8 कप के हिसाब से लिए मैंने। इसके अंदर हम लोग पहले ये मैंने 1/2 केजी डाला था, अब दोबारा 1/2 केजी डाला है, तो ये हो गया 1 केजी। अब इसमें मैंने नमक ऐड किया है, नमक मैंने कम से कम 1/2 टीस्पून डाला, आधा चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारा जो खमीर हुआ हुआ पानी था वो हो चुका हुआ है, तो अब वो ऐड करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम घी के 2 चम्मच डालेंगे भर के। और 1 चम्मच डालेंगे हम लोग चीनी का। नॉर्मल हो जाए तो वही सही होता है, क्योंकि खमीर होने के बाद जब आटा राइस होता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो नरम हो जाता है ज़्यादा, और गर्मी है, गर्मी तो इस वजह से वो और भी नरम हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सख्त गूनना है, थोड़ा सा ज़्यादा सख्त नहीं गूनना, और नीम गर्म पानी के साथ उसको अच्छे से गून लें। और गून के तो कम से कम उसको घंटे के लिए रखते हैं, या अगर आपका नहीं हो रहा तो 2 घंटे के लिए रखते हैं। मैं असल में आपको दिखा नहीं सकती हूँ इसको ढक के रखना, क्योंकि वो वहाँ पे मेरी वीडियो नहीं बनी। तो इसको अच्छे से आपने गून लेना, जैसे आम आटा गूंदा जाता है बस उसी तरह से ही गूनना है इसको। कोशिश करना है कि पानी ज़रा कम ही लगे, क्योंकि वो पानी मैदे जो है ना वो फिर सही नहीं होता, वो फिर आपके पेड़े में भी पानी पानी आता रहेगा, वो स्टिकी हो जाता है। तो अब इसको हम गूंद लेंगे, और गूंद के तो हम रख लेंगे कम से कम घंटे के लिए। अभी हमारा सेट हो गया है। अब हम लोग मिक्सचर की तरफ आते हैं। मैंने एक तेज़की के अंदर मैंने एक शिमला मिर्च ली है, ठीक है, एक बंद गोभी ली है। बंद गोभी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था तो इसलिए बंद गोभी ज़्यादा है। शिमला मिर्च अगर ज़्यादा पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, गाजर है तो वो भी एक ऐड कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी ली है। मैंने 1 केजी चिकन को पहले ही उबाल के तो रख लिया था, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है। ज़्यादा नमक नहीं डालना, क्योंकि चिकन में भी ऑलरेडी नमक होता है। काली मिर्च डालूँगी मैं, 1/2 टीस्पून है, और मैंने ये लहसुन पाउडर डाला है,
और ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच, ये मैंने कुटी मिर्च 1 और आधी टेबलस्पून डाल लिया मैंने, और ये मैंने चाट मसाला डाला है 1 टीस्पून। अब हम लोग वाइट सिरका ऐड करेंगे। हर चीज़ अपने टेस्ट के मुताबिक है, आप डालने के बाद जब मिक्स करेंगे तो फिर आप चख लेना कि जो चीज़ आपको कम लगे या ज़्यादा लगे। ठीक है, हम 3 चम्मच डालें सिरके के और 4 चम्मच डालेंगे हम लोग सोया सॉस के। क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, इसीलिए आपने ध्यान से नमक डालना है। चिली सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इसके 4 कर लें, नहीं तो ये नॉर्मल बहुत है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसके अंदर मैं 2 चम्मच घी के या ऑयल के ऐड करेंगे ताकि ये सही तरह से फ्राई हो जाए। ये 2 चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया, घी ऐड कर लें या ऑयल ऐड कर लें ये आपकी मर्ज़ी है। अब इसे मिक्स करेंगे और तेज़ आंच में मैं इसको पकाऊंगी ताकि जो सब्ज़ी है वो अपना पानी ना छोड़ दे। बस हल्का हल्का सा हम लोग इसको शैलो फ्राई सही करेंगे, ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती है इसको। 5 मिनट में तेज़ आँच में इसको पका लेंगे और ये हो गया हमारा रेडी। मैंने इसको तेज़ आंच में पकाया है ताकि सब्ज़ी जो है वो अपना पानी ना छोड़े। ये तैयार हो चुका है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसके अंदर हम लोग 3 चम्मच मायनीज के डालेंगे और 2 चम्मच हम लोग केचप के डालेंगे। अगर आपके पास चिली सॉस चिली केचप है तो आपने 1 चम्मच डालना है, और अगर दूसरी है टमाटो पेस्ट तो एक ढक के तो रख देंगे। अब आटे की तरफ आते हैं। आटा जो है वो हमारा हो चुका हुआ है राइस। अगर आपको लगे कि ये स्टिकी है तो आप खुश्क आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा स्टिकी नहीं है, बिल्कुल सही हुआ है, इसलिए मुझे खुश्क आटे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब मैं इसको सेट करके तो छोटे छोटे पेड़े कर लूँगी, ना तो बहुत बड़े पेड़े करने हैं और ना ही बहुत छोटे छोटे करने हैं, बस दरमियाना साइज़ का, यानी कि 50 ग्राम का एक एक पेड़ा होना चाहिए। अब ये पेड़े कर लेंगे, सिंपल से पेड़े हैं, कोई इतना नहीं है। सारे पेड़े करने के बाद इसको ढककर हम रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये और भी राइज हो जाए। जितना आटा राइज होता है उतनी ही अच्छी रोटी बनती है, जो शवरमा ब्रेड है या पीटा ब्रेड है वो उतनी ही अच्छी बनती है। अब हम थोड़ा सा खुश्क आटा लेंगे, मैदा लेंगे, ठीक है। इसे ना तो हम बहुत ही बारीक बेलेंगे और ना ही बहुत मोटा रखना है, दरमियानी रोटी रखेंगे हम लोग। और तवे को हम लोग पहले ही गरम कर लेंगे और फिर इसको नॉर्मल आंच में पकने के लिए रख देंगे। ये देखें, ना तो ये बहुत मोटी है और ना ही पतली है, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि तवे पे जाके इसमें जब फूलना है तो ये तब भी बहुत एक्स्ट्रा मोटी हो जाएगी, तो इसीलिए नॉर्मल रखनी है। ये देखें, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है, तो ये नहीं, ये पक चुकी हुई है। अब साइड चेंज कर लिए। ये दूसरी साइड भी हो गई हुई है, तो इसको हम लोग रुमाल में रख लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये देखें, बिल्कुल बाहर वालों की तरह बनी हुई है, ना मोटी है ना पतली है, और इतनी सॉफ्ट है। आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मेरी सारी रूटीन कंप्लीट हो चुकी है, देखें सारी हो गई हुई है।
अब हम लोग इसकी फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के लिए मैंने मायनीज घर में ही बनाई हुई थी। इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ वो देख लेना। मायनीज में भी ऑलरेडी नमक होता है, तो इसीलिए आप लोगों ने नमक का खास ख्याल रखना है। इसके अंदर आप चिकन की फिलिंग करेंगे, जो हम लोगों ने चिकन शिमला मिर्च और उसकी की थी बंद गोभी की। अगर आप सैलेड भी रखना चाहते हैं तो अंदर रख सकते हैं, लेकिन ये सिंपल मैंने चिकन शवारमा बनाया है। तो ये देखें, ये हमारा रेडी है। अगर आपको चटनी पसंद है आप चटनी ऐड कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना आपका। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।